गैस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोग स्यूडो सेलेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी स्यूडो सेलेक्टर्स हम लोगों ने देखे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कुछ नए स्यूडो सेलेक्टर्स के बारे में, जिनका नाम है बिफोर एंड आफ्टर, और ये क्या होते हैं इनको ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने प्ले लिस्ट एक्सेस नहीं किया तो उसको जल्दी से एक्सेस करके बुक मार्क करके सेव कर लेना। मैं यहाँ पर जल्दी से एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ tut33.html, और बॉयलर प्लेट लगा दी, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा तो सजेशन आता है, फिर टैब दबाऊंगा या एंटर दबाऊंगा तो ये मुझे देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर लिखूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किस तरह मैं इस्तेमाल करूँगा इन स्यूडो सेलेक्टर का। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जल्दी से स्टाइल टैग लगा देता हूँ यार। तो यहाँ पर मैं एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करूँगा, हेडर यार हेडर, और हेडर के अंदर नैव डॉट नैव बार, और इसके अंदर मैं ul लिखता हूँ सर, और उसके बाद li.item मल्टीप्लाई बाय क्या करूँ 4 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डाल देता हूँ होम, यहाँ पर डाल देता हूँ अबाउट, यहाँ पर डाल देता हूँ सर्विसेज, और यहाँ पर डाल देता हूँ कॉन्टैक्टर्स। ठीक है, और उसी के साथ साथ नैव बना लिया मैंने, फिर सेक्शन बनाऊँगा। सेक्शन के अंदर क्या लिखूँगा, सेक्शन के अंदर एक हेडिंग डालूँगा, लिखूँगा वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। ठीक है, वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड, और उसी के साथ साथ वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक पैराग्राफ डाल दूंगा, लॉरम 34 लिख दूंगा ताकि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आ जाए। और जैसे ही मैं लाइव जाऊँगा यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही घटिया सा एक पेज खुल के आ गया है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ किया नहीं है अभी तक, CSS लगा ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो मेरा हेडर है उसमें मैं क्या करूँगा, फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करूँगा। अब हमें फ्लैक्स बॉक्स आता है, अब हम बिल्कुल भी फ्लोट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब चुपचाप हम लोग डिस्प्ले को फ्लैक्स कर देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे। फ्लैक्स डायरेक्शन क्या करूँ, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ। देखो, अगर मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन रो किया है, कुछ नहीं किया, तो बाई डिफॉल्ट वो रो रहने वाला है। ठीक है, तो ये देखो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो ये एक जगह आ जाएगा, ये सारे के सारे एक रो में आ जाएंगे। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स किया किसका, मैंने हेडर का डिस्प्ले फ्लैक्स किया है। तो हेडर के अंदर का जो भी कंटेंट है वो आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा कॉलम। ठीक है, जैसे मैं कॉलम करूँगा ये देखो ऐसे आ गया। और बेसिकली मैं काम करता हूँ, मैं सेक्शन में सबसे पहले सेंटर कर लेता हूँ चीज़ों को, और बॉडी में बैकग्राउंड दे लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, और उसी के साथ साथ कलर मैं दूंगा वाइट। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर वाइट। अब इनको मुझे सीधा करना है, इनको सीधा करने के लिए मैं क्या करूँगा, UL जो है इसको एक क्लास दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ इसको नेविगेशन, और मैं यहाँ पर नेविगेशन में क्या करूँगा, नेविगेशन में डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा, नेविगेशन डिस्प्ले फ्लैक्स, और उसी के साथ साथ सेव करता हूँ, देखता हूँ कैसा हुआ। और ये देखो एक लाइन में आ गया। फिर उसके बाद क्या करूँगा, जो मेरे एल आई हैं लिस्ट आइटम्स, मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जी जो लिस्ट आइटम्स है ना उनका क्या करना है, मुझे लिस्ट स्टाइल करना है नन, और उसी के साथ साथ उनमें मुझे क्या करना है, पैडिंग करना है 34 पिक्सल 23 पिक्सल। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एक वो बना रहा हूँ, तो बिल्कुल ऐसा मत समझना कि मैं एक बहुत ही ख़तरनाक वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल से मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, नीचे एक सेक्शन बना दिया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, ना मैंने लिंक्स बनाए हैं यहाँ पर, मुझे आइडियली लिंक्स बनाने चाहिए थे। अगर इसको इंस्पेक्ट करूँ अभी मैं यहाँ पर आगे, और यहाँ पर जो डिवाइस टूल बार इसको हटा दूँ, तो ये देखो यहाँ पर मेरा जो बॉडी है उसकी मार्जिन पैडिंग सब कुछ है। तो बॉडी में रिसेट कर दूँगा मार्जिन 0 करके और पैडिंग 0 करके, और ये देखो अभी अभी थोड़ा ठीक हो गया है सिस्टम। ठीक है, ये करने के बाद शायद मैं अपना फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ाऊँ, तो फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरा नेविगेशन है या फिर जो मेरा नेव बार है उसी का फॉन्ट साइज़ मैं बढ़ा दूँगा। नेविगेशन का मैं फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ, मान लो मैंने 20 पिक्सल कर दिया। ठीक है, सेव किया। अब मैं यहाँ पर जल्दी से मुद्दे पर आना चाहूँगा वीडियो के, वीडियो का मुद्दा है बिफोर और आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर। तो बिफोर और आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर क्या करता है, जैसे मान लो ये सेक्शन है मेरे पास, मैं काम करता हूँ सेक्शन में, ज़रा एक काम और करता हूँ, ज़रा सा पैडिंग दे देता हूँ या मार्जिन दे देता हूँ साइडों से, मार्जिन टॉप बॉटम से मैं 0 पिक्सल दूंगा, या फिर एक काम करता हूँ 3 पिक्सल दे देता हूँ और यहाँ से इतना दे देता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी मैंने मार्जिन दे दी साइड से और ऊपर से भी दे दिए, और यहाँ पर मान लो मेरी वेबसाइट चालू हो गई है।
अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बनाया है, तो सेक्शन के बाद, सेक्शन जो है मेरा उसके बाद मान लो मैं कोई कंटेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, कंटेंट इंसर्ट करने के लिए अपने सेक्शन में मैं यहाँ पर बिफोर और आफ्टर सीडो सिलेक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, मैं कहूँगा सेक्शन बिफोर और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंटेंट, दिस इज़ अ कंटेंट, कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। और ये जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पर कंटेंट इंसर्ट हो जाएगा, तो सेक्शन के बिफोर कंटेंट इंसर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिस इज़ अ कंटेंट, यहाँ पर मेरा आ गया है सेक्शन से पहले, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ अगर आप लोग ये जो सेक्शन है इसके फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करना चाहते हैं सेंटर करने के लिए आइटम्स वगैरह को, तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स को सेंटर कर लो। अलाइन आइटम आइटम सेंटर करने से क्या होगा, ये इस तरह से सेंटर हो जाएगा। फिर अगर मैं इसको बॉर्डर दे दूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड और इस तरह से मैं सेव करूँ, तो देखो ये इतना ही है सिर्फ, ठीक है। अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा दूँ सेक्शन की, तो और मैं चाहूँ कि इसको मैं थोड़ा सा सेंटर करूँ, जैसे मान लो 344 पिक्सल मैंने किया तो इसकी हाइट कुछ इतनी हो गई, अब मैं चाहता हूँ इसमें भी ये सेंटर हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा, क्या यूज़ करूँगा, जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर। जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर क्या करेगा, इसको वर्टिकली भी सेंटर कर देगा। तो ये फ्लैक्स बॉक्स का एक यूजेज है, बड़ा कमाल का यूजेज है फ्लैक्स बॉक्स का, काफ़ी मदद मिलती है यहाँ पर अगर हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेक्शन सॉरी हेडिंग यूज़ किया था, मैं इसको H1 भी कर सकता था, अगर मैं चाहूँ तो इसको H1 भी कर दूंगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और स्टाइलिंग यूज़ करके मैं यहाँ पर ये देखो बड़ा हो गया है, और स्टाइलिंग यूज़ करके मैं इसको भी बड़ा कर सकता हूँ, और उसी के साथ साथ अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये था हमारा बिफोर सीडो सेलेक्टर, मैंने यहाँ पर कंटेंट डाल दिया। अब अगर इसी चीज़ को मैं आफ्टर कर देता तो यहाँ पर क्या होता, कंटेंट इसके बाद में आ जाता, देखो दिस इज़ अ कंटेंट यहाँ पर आ गया। लेकिन मैं बिफोर और आफ्टर सीडो सेलेक्टर का इस चीज़ में इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता हूँ। मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगा बिफोर और आफ्टर सीडो सेलेक्टर का, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। तो वेलकम टू कोडिंग वर्ड मैंने किया है यहाँ पर, अब मान लो मैं ये जो वेलकम टू कोडिंग वर्ड है इसके साइज़ को बढ़ाना चाहता हूँ, फॉन्ट साइज़ को। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं फॉन्ट साइज़ इसका बढ़ा देता हूँ, कितना कर दूँ फॉन्ट साइज़ इसका, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट साइज़, अगर मैं 4 रैम कर दूँ कुछ इस तरह से, तो इतना बड़ा हो गया। देखो और बड़ा करें, नहीं थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आई थिंक 4 रैम इज़ गुड, 4 रैम कर देता हूँ इसका जो फॉन्ट साइज़ है, मैंने इसका फॉन्ट साइज़ को 4 रैम कर दिया। 4 रैम करने के बाद इसको मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर लगा दूंगा, कहाँ पर, H1 में लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर H1 जो है मेरा, मैं कहूँगा जी H1 जो है उसके फॉन्ट साइज़ को 4 रैम कर दो। अभी जो मेरा सेक्शन है मैं इसकी मार्जिन थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, तो मैं अगर इसको 10 गुना बढ़ा दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, और अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो ये देखो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये अभी ऐसा हो गया है, अभी जो मेरा H1 है और ये मेरा पैराग्राफ है, अगर मैं पैराग्राफ में चाहूँ कि इसका जो टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर हो जाए, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो मैं काम कर सकता हूँ, पैराग्राफ के टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर सकता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और उसी के साथ साथ ये जो मैंने पैडिंग दे रखी है इसमें, मार्जिन दे रखी है सॉरी, इसको मैं ज़रा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, थोड़ा तो अच्छे से स्टाइल हो जाएगा। तो ये देखो अभी ऐसा हो गया, तो ये अभी ऐसा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये जो बॉर्डर मैंने लगाया हुआ है, ऑब्वियसली मैं इसको जल्दी हटा दूंगा, और ये फॉन्ट वगैरह जो है वो भी आप दूसरी इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल फॉन्ट्स में जाकर कोई भी अच्छी सी फॉन्ट्स चुन लेना, और यहाँ पर कोई बहुत बढ़िया सी फॉन्ट देख के जो भी अच्छी लगे आप लोगों को उसको यूज़ कर लेना अपने इसमें। और हिंदी में भी फॉन्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, और इंग्लिश में भी अवेलेबल तो हैं ही हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ थोड़ी स्टाइलिश सी वेबसाइट बनाने के लिए ये वाली फॉन्ट लेकर आता हूँ, फॉन्ट थोड़ी सही लग रही है मुझे। और कुछ नहीं करना है आपको, ये जो लिंक है इसे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर लगाना है, और बस जहाँ पर भी आप चाहते हैं कि आप इस फॉन्ट को लगाएं, जैसे मैं चाहता हूँ अपने नेविगेशन में लगाना, तो मैं नेविगेशन में कुछ इस तरह से यहाँ पर फॉन्ट फैमिली में लगा दूंगा, ये रही फॉन्ट फैमिली मेरी, या फिर इसको पूरा कॉपी कर लो, ज़रा टेंशन नहीं, इसको पूरा कॉपी करो और ऐसे बैठा दो, सिंपल। सेव किया मैंने, और ये देखो मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब आप में से कई लोगों को लगेगा इसमें ऊपर मार्जिन आ गई है, ऊपर पैडिंग आ गई है, जो भी चीज़ मैंने दी है देखता हूँ क्या दी है, मार्जिन दी है, पैडिंग दी है, देखो नैव बार के अंदर, तो नैव बार में अगर आप चाहते हैं कि नैव बार कुछ ऐसा ना दिखाई दे तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं। क्यों आ रहा है नैव बार में ऐसा, क्योंकि जो नेविगेशन क्लास है इसमें मैंने मार्जिन या पैडिंग शायद दे रखी है, नहीं तो लिस्ट आइटम में दे रखी है, इफ़ नॉट इन ये,
हाँ देखो मैंने यहाँ पर पैडिंग दे रखी है, तो मैं इस पैडिंग को अगर कम कर दूँ तो देखो एकदम ऊपर आ गया, ठीक है। तो मैं इस पैडिंग को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा लूँगा इतना, अगर मुझे इतना सही लग रहा है तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगा, ठीक है। तो 2023 कर देता हूँ उसको, पैडिंग को 2023। और उसी के साथ साथ ये जो मेरा रेड कलर का बॉर्डर है इसको भी मैं हटा दूंगा। और ये देखो अभी कुछ वेबसाइट ऐसी दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल बताता हूँ बिफोर और आफ्टर स्यूडो सिलेक्टर का, लेकिन उससे भी पहले एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर जल्दी से एक HR लगा देता हूँ सेक्शन के बाद। और मुझे सेक्शन को ज़रा हेडर से बाहर निकालना चाहिए था, मैंने हेडर के अंदर घुसा दिया सेक्शन को, तो वो चीज़ मैं ज़रा ठीक कर लेता हूँ। सेव किया मैंने, सेक्शन बाहर आ गया अभी हेडर के। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक HR लगा दूंगा, उससे क्या हुआ एक लाइन यहाँ पर आ जाएगी। तो मैंने ये कह दिया कि भाई यहाँ पर ये मेरा ख़त्म हो चुका है और एक लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना कुछ भी कंटेंट वगैरह डाल सकता हूँ। अब जो वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड है इसमें मैं दूसरी फॉन्ट यूज़ करता हूँ या फिर नहीं भी कर सकता हूँ। मैं भी यहाँ पर कोई फुली फ्लेज वेबसाइट नहीं बना रहा हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए जो कि मैंने बताई। तो मैंने अगर सेक्शन के अंदर ये डाल दिया तो देखो यहाँ पर ये पूरी फॉन्ट कुछ इस तरह से आ गई, ठीक है। तो फॉन्ट आप लोग अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग पोर्शंस के लिए अपनी वेबसाइट के, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, एक बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। और उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा, एक वेबसाइट है source.unsplash.com। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले सोर्स अनस्प्लैश, आप कुछ इस तरह से सर्च कर लेना और आप लोगों को एक वेबसाइट खुल के मिलेगी जो क्या करती है आप लोगों को अलग अलग तरह के जो बैकग्राउंड्स हैं, वॉलपेपर हैं, जो कुछ भी कह लें आप इमेजेस हैं वो देती है रैंडमली। तो अगर इसी यूआरएल को वापस से पेस्ट करूँ तो एक दूसरी इमेज मिलेगी, अगर इसी यूआरएल को वापस से पेस्ट करूँ एक दूसरी इमेज मिलेगी। आई थिंक ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है। हम लोग यहाँ पर रैंडम फ्रॉम अ कलेक्शन में जाकर कंट्रोल सी करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पर होता क्या है रैंडमली आप लोगों को इमेजेस मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो यूआरएल है इसको कॉपी किया और यहाँ पर देखो अलग अलग इमेजेस मुझे मिल गई हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने यूआरएल अभी कॉपी किया उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बॉडी के बैकग्राउंड में लगा सकता हूँ। और मैं ऐसे कर दूंगा यूआरएल, और यूआरएल के अंदर ये डाल दूंगा, उसके बाद नो रिपीट, उसके बाद सेंटर सेंटर कवर, ठीक है। जैसे ही मैं ये करूँगा आप लोग देखो मेरी जो वेबसाइट है उसमें ये इमेज आ गई है, ठीक है। तो ये देखो अभी वेबसाइट बहुत बढ़िया लग रही है हमारी, अभी ऐसा लग रहा है कि वाओ बड़ा वेबसाइट ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो एक दो प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं, देखने को मिल रही हैं, वो ये है कि एक तो ये नीचे से कवर नहीं किया इसने पेज को, और एक और प्रॉब्लम जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि इमेज मुझे टेक्स्ट को पढ़ने नहीं दे रही है, तो टेक्स्ट को इसने ख़राब कर दिया है। तो या तो मैं कलर को अपने कर दूँ कुछ इस तरह से कि मैं पढ़ सकूँ, या फिर मैं क्या करूँ इसकी ओपेसिटी कम कर दो। अब जैसे यही इमेज है, अब मान लो मैं ये इमेज यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं अगर यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करूँ टेक्स्ट को तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। तो इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है, तो इस चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है और मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का। अगर मैं ओपेसिटी कम कर दूँ, अगर मैं ओपेसिटी कम कर दूँ अपने इसकी, तो सब चीज़ की ओपेसिटी कम हो जाएगी। तो मैं क्या ऐसा करूँ कि ओपेसिटी भी कम ना हो, ये इमेज भी बैकग्राउंड में सेट हो जाए और सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, ये जो मेरा हेडर है इससे पहले कंटेंट इंसर्ट करूँगा, और उस कंटेंट में मैं क्या करूँगा बैकग्राउंड इमेज लगा दूंगा, और उसके बाद उसको पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट, और उसकी विड्थ और हाइट सेट कर दूंगा, और उससे मेरा काम हो जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं ये टेक्निक किस तरह काम करती है। तो इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, हेडर पे लगाऊंगा बिफोर स्यूडो सेलेक्टर, और यहाँ पर ये देखना कि ये दो कोलन होते हैं यहाँ पर, आप लोग ये मत समझना सिर्फ एक कोलन होता है, यहाँ पर दो कोलन होते हैं इस तरह से। और जैसे ही मैं ये करूँगा तो आप लोगों को यहाँ पर मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो कंटेंट में डालूंगा, कंटेंट में कुछ नहीं डालूंगा, उसके बाद मैं बैकग्राउंड जो है एग्जैक्टली यही बैकग्राउंड ले आऊँगा नीचे, ठीक है। अभी अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ ऐसे और आप लोगों को दिखाऊँ तो देखो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, ठीक है। और क्यों नहीं हुआ वो भी मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि इसकी पोजीशन जो है मुझे करनी पड़ेगी एब्सोल्यूट, और उसी के साथ साथ मुझे विड्थ और हाइट भी सेट करनी पड़ेगी। तो मैं विड्थ कर देता हूँ इसकी 100% और इसकी हाइट भी कर देता हूँ 100%, ठीक है। और पोजीशन की स्पेलिंग मैंने लगता है गलत कर दी, हाँ आप सही है। अभी आप लोग यहाँ पर देखें तो ये देखें यहाँ पर जो हमारी इमेज है उसने घेर तो लिया है पूरे के पूरे पेज को, लेकिन ये हुआ क्या, आप लोग सोच रहे होंगे यार ये हुआ क्या, कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है कि जो टॉप से ये जो पैडिंग है हमारी
उसने यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट कर दी है, तो वो भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और वो ये है कि इसने पूरे कंटेंट को ढक दिया है। सबसे पहले कंटेंट तो दिखना चाहिए ना, तो कंटेंट को दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जी इंडेक्स का इस्तेमाल करूँगा। मैं कहूँगा जी इसकी जो जी इंडेक्स है ना उसको क्या कर दो, उसको सेट कर दो, जी इंडेक्स को सेट कर दो -1। हाँ अब हो गया काम हमारा, अब हमारा काम हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर इसने सबसे पहले तो ये जो स्पेस है ये क्रिएट कर दी है, तो स्पेस को भी ख़त्म करेंगे। लेकिन स्पेस को ख़त्म करने से पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इस टेक्स्ट को ऐसा बनाऊंगा कि मैं इस टेक्स्ट को दिखा सकूं। तो वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब मैंने यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट करी है, तो मुझे टॉप 0 लेफ्ट 0 करना पड़ेगा, टॉप 0 लेफ्ट 0। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ओपेसिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा, और ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये क्या करेगी, आपकी इमेज को लाइट बना देगी। तो देखो मैंने ओपेसिटी को कम किया, तो इसने इमेज को क्या किया, मेरे लाइट बना दिया। और टॉप 0 लेफ्ट 0 करने से क्या हुआ, वो जो स्पेस थी हमारी वो भी ख़त्म हो गई। तो अभी अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो ऐसा लगेगा कि क्या वेबसाइट बनाई यार हैरी भाई, मज़ा आ गया। तो इस तरह से आप लोग जो है बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट्स बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वेबसाइट अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताना कि यार ये तो बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये डंडा हटा लेना, ये जो लगा दिया मैंने HR करके वो हटा लेना आप, या फिर अगर आप लोगों को और ऐड करना है कंटेंट वो ऐड कर लेना, जो कुछ जैसे भी करना है आपको, आप अपने मुताबिक इसको जो है कस्टमाइज़ करें, मुझे भी दिखाएं। तो यहाँ पर अगर मैं सेक्शन को थोड़ा और बड़ा कर दूँ, तो मैं हाइट बढ़ा दूँ सेक्शन की अगर, तो ये देखो कुछ ऐसा हो जाएगा सेक्शन। अब आपकी मर्ज़ी है, मैं ये कहूँगा आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से अलग अलग वेबसाइट्स को देख के डिज़ाइन आइडियाज़ लेकर इसको और ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ठीक है। तो HR मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने जस्ट एक मार्क कर दी थी लाइन कि यहाँ पर जो है मेरी वेबसाइट ख़त्म हो गई है, तो मैंने इसलिए इसको कुछ ऐसा बनाया था। तो अभी देखो ओपेसिटी कम करके इमेज भी दिख रही है, टेक्स्ट भी दिख रहा है, और वेबसाइट भी अच्छी लग रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ओपेसिटी को और भी कम कर सकते हैं। मैं कम से कम रखने की कोशिश करता हूँ ओपेसिटी को, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो दिखाई दे। तो 0.3 भी बहुत अच्छा काम करता है, हालांकि 0.3 में इमेज बहुत डिटेल में नहीं दिखती है और हमारा टेक्स्ट दिखता है। तो वही हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो दिखे, हम नहीं चाहते कि हमारा टेक्स्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो, हम ये चाहेंगे कि हमारा जो डिटेल्स हैं वो दिखाई दें। अब यहाँ पर आप और चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, डब्बे इंसर्ट कर सकते हैं, और चीज़ें दिखा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी रहेगी। उसी के साथ साथ आप एक स्पेसिफिक पोर्शन में भी लगा सकते हैं जो भी आपकी बैकग्राउंड इमेज है उसको, हो सकता है कि आप बैकग्राउंड इमेज सिर्फ एक डब्बे में लगाना चाहते हो, सिर्फ सेक्शन वाले पार्ट में, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट जो है अभी मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, और मैं इस डिज़ाइन को शायद इस्तेमाल ही कर लूँ आने वाले टाइम में। तो हमने यहाँ पर बिफोर और आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर का एक अच्छा यूज़ देखा कि किस तरह हम लोग बिफोर और आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर को चतुराई से इस्तेमाल करके ओपेसिटी कम कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड की, और टेक्स्ट को दिखा सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये चीज़, और ये एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है, इसको अपनी टेक्निक लिस्ट में ऐड कर लेना। और ऐसी बहुत कम टेक्निक्स होती हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि यार मैं कितना याद रखूंगा, इस जैसी और कितनी टेक्निक्स अभी आने वाली हैं, बहुत कम आने वाली हैं। मैं ये कहूँगा इस तरह की जो टेक्निक्स हैं ये बहुत ही कॉमन टेक्निक्स हैं, और आप लोग इनको जो है ज़रूर अपनी लिस्ट में ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बिफोर और आफ्टर स्टूडियो सेलेक्टर के बारे में आप लोगों को बताया, उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करते हैं उसके लिए बताया। और हमने यहाँ पर कुछ किया नहीं, देखो कितनी अच्छी वेबसाइट बन गई बिना कुछ करे। मेहनत करेंगे तो ये वेबसाइट कितनी अच्छी बनेगी आप खुद ही सोच सकते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो वेबसाइट को खूबसूरत बना देती हैं, एक तो फॉन्ट है उनमें से, एक बैकग्राउंड इमेज भी मुझे बहुत सही लगती है। बैकग्राउंड इमेज अगर आपने लगा दी किसी वेबसाइट में तो वो भी बहुत अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी डिज़ाइन, अगर आप लोगों ने बैकग्राउंड इमेज लगा दी अच्छे से। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये जो मैंने आप लोगों को समझाया है इस वीडियो में। और अगर आप लोगों ने अभी तक वेब डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस नहीं किया, तो मैं कहूँगा काइंडली आप इसको एक्सेस कर लें, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर मैं सारे के सारे वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन के अंदर सोर्स कोड का लिंक है, तो अगर आप लोगों को सोर्स कोड नहीं मिल रहा है तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक नहीं किया। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करेंगे आप, जैसे ही आप जाएंगे एक वेबसाइट पर जहां पर आप कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको कोड देखने को मिलेगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं, कोड उठा सकते हैं वहां से आराम से, आपको ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। तो वो आप रेफरेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। मैं सारा का सारा ये जो कोड यहाँ पर लिख रहा हूँ वो सारा अपनी वेबसाइट में देता जा रहा हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।